बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फिदा। सीरीज चल रही है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करने की, और इस सीरीज में मैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के ओल्ड पेपर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। आज का पेपर मुल्तान बोर्ड का है, 2014 ग्रुप वन। ये वीडियो ज़रा लंबी होगी क्योंकि मैंने 2014 के ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों पेपर्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करना है। पेपर स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर वन, मैलेट, ऑप्शन बी हैमर। ये लाइन है लेसन नंबर 9 में से। सेंटेंस नंबर टू, क्रिकेट, ऑप्शन बी कर्व, दोनों का मतलब होता है टेढ़ा खमीदा। ये लेसन नंबर 11 की लाइन है। सेंटेंस नंबर थ्री, परिकैरियस, ये लाइन है ओवरकोट में से। परिकैरियस खतरनाक, ऑप्शन सी डेंजरस। सेंटेंस नंबर फोर, द गर्ल वॉज सॉबिंग, लाइन है फर्स्ट प्ले में से। सॉबिंग, सॉबिंग का आएगा वीपिंग, ऑप्शन सी। सेंटेंस नंबर फाइव, ल्यूमिनस, इसका आएगा रेडियंट, ये लाइन है सेकंड प्ले के फर्स्ट पेज से। सेंटेंस नंबर सिक्स, ऑल फिलोसफीज साउंड गुड, ये लाइन है थर्ड प्ले के फर्स्ट पेज से। साउंड मालूम होना, लगना, ऑप्शन बी लुक। सेंटेंस नंबर सेवन, द चेरी इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बॉ, ये लाइन है थर्ड पोएम में से, ऑप्शन बी आएगा ब्लॉसम। स्क्रॉल डाउन कर लें जी। सेंटेंस नंबर एट, स्टेक, इसका आएगा डेथ पायर, फांसी के तख्त को कहते हैं, लाइन है लव एंड सेंस ऑफ और रिलीजन में से। सेंटेंस नंबर नाइन, इम्पल्सिवली, ऑप्शन डी इंस्टिंक्टिवली, फर्स्ट लेसन में से लाइन है। नंबर टेन, मिस्टर जेम्स वाज द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल, केयर टेकर, निगेबान, निगरान, ऑप्शन डी कीपर, ये लेसन नंबर फाइव की लाइन है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में नंबर वन, नौशेरवान वाज अ किंग, गुलिस्तान सादे की लाइन है। सेंटेंस नंबर 12, जिम बॉट अ गिफ्ट ऑफ द कॉम्स, लेसन नंबर 12 की लाइन है। नंबर 13, हु इज रॉजर स्पेल्डिंग अ न्यूज़कास्टर, ऑप्शन सी सेकंड प्ले की लाइन है। द डॉग सेव द लाइफ ऑफ द गर्ल, ऑप्शन सी फर्स्ट प्ले में से है। और लास्ट एमसीक्यू, सेंटेंस नंबर 15, नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ऑप्शन बी। लास्ट पोर्शन ऑब्जेक्टिव पेपर का है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर आएगा, ऑप्शन सी। वुड दैट के बाद दो सूरतें होती हैं, या वर आए या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए, तो वर आएगा, ऑप्शन सी। वी सेल्डम डैश टू बेड बिफोर 11, सेल्डम इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसलिए गो आएगा, ऑप्शन ए। सेंटेंस नंबर 18, इफ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन, इफ ही रैन फास्ट सेकंड कंडीशनल है, तो दूसरे से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेंटेंस नंबर 19, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ऑप्शन बी गैदर्स। सेंटेंस नंबर 20, इट डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस के बाद चूंकि वक्त है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ऑप्शन डी आएगा, हैज बीन रेनिंग। सब्जेक्टिव है जी। बुक वन के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मौलवी अबुल बाय फ्रॉम शमीम अहमद शॉप, मेहरुन निसा की डाउरी के लिए सूट लिया था 42 रुपए में। बाकी सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। दूसरा पोर्शन है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस प्लेस का, सारे के सारे प्लेस की एक्सरसाइजेस में से लिए गए हैं क्वेश्चन। तीसरा पोर्शन है, थर्ड पोर्शन पोएम के क्वेश्चन, व्हाट डिड द फीचर्स ऑफ द स्टैच्यू रिफ्लेक्ट, ओज़िमेंडियस में से एडिशनल क्वेश्चन है। वहां पर क्या था, सनीर ऑफ कोल्ड कमांड, रिंकल्ड लिप, ये क्या शो करते थे, उसका एरोगेंस और प्राइड। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट वाले हैं, यानी एक्सरसाइज वाले हैं।
लेटर है जी प्रोग्रेस इन स्टडीज का और रीएडमिशन की एप्लीकेशन है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड स्टोरी है। लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड स्टैंजा है पोएम नंबर 12 रुबाइयात का। पंक्चुएशन है आई वाज सीन विद द पॉकेट बुक चैप्टर नंबर 5 पीस ऑफ स्ट्रिंग में से और ट्रांसलेशन है अ सन ऑफ अ फार्मर गुलिस्तान सादी की तीसरी हिकायत में से। ओके जी सेकंड ग्रुप का पेपर 2014 का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कमेंट शमेंट कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको अच्छी लगी, आप समझते हैं कि आपको फायदा हो रहा है तो अपने क्लासमेट्स को अपने फ्रेंड्स को भी फायदा पहुंचाएं जी। ग्रुप टू का पेपर मुल्तान का। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर। वैलो मारे मारे फिरना, ऑप्शन डी वेंडर, ये चैप्टर नंबर 11 में से है। नंबर टू पीपल कन्वर्स्ड ऑन द मॉल, कन्वर्ज इकट्ठे होना, गैदर्ड, ऑप्शन बी। नंबर थ्री आई कैंट परमिट देम टू रैक माई शिप, ये लाइन क्रिटन बोलता है, सेकंड प्ले में से है, रैक तबाह करना, डैमेज। नंबर फोर ही पिक्स अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड पुराना या मतरूक, फर्स्ट प्ले में से लाइन है तो इसका आएगा ऑप्शन सी ओल्ड। आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर नंबू जंबू आइडियाज, नंबू जंबू बेमानी, ऑप्शन डी कन्फ्यूज, ये लाइन बोलती है मिस मकीचियोन, थर्ड प्ले। शक्रोल डाउन कर ले भी, शक्रोल डाउन जी। सेंटेंस नंबर सिक्स कंज्वाइनिंग बीक विद बीक, कंज्वाइन मिलाना, द फीड पोएम की लाइन है, ऑप्शन डी आएगा कंबाइनिंग। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस, बॉस शाखों को कहते हैं, ऑप्शन बी ब्रांचेस, पोएम लेयर की लाइन है। नंबर एट लुक एट दिस जस्ट सी ब्रैक, सेकेंड लेसन में से लाइन है, ब्रैक शोखी बिकारना, ऑप्शन डी बोस्टेड। नंबर नाइन मिस्टर मनाना इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, क्रेडेंस का भरोसा एतबार, ऑप्शन डी रिलायबिलिटी, पीस ऑफ स्ट्रिंग की लाइन है। नंबर टेन इज इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट, तो इंस्टेंटली फौरन ही, इसका आएगा इमीजिएटली, लाइन है लेसन नंबर 9 में से। एमसीक्यूज ज्यादा आगे निकल गए जी। जी एमसीक्यूज सेंटेंस नंबर 11, व्हाट वाज कॉमन इन जिम एंड द वॉच, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, ऑप्शन डी। What did the girl drop and ran away? लड़की ने क्या ड्रॉप किया था और भाग गई थी, बात हो रही है फर्स्ट प्ले वाली लड़की की, तो अपनी टॉर्च लाइट वो गिरा देती है, फ्लैश लाइट आएगा, ऑप्शन बी। What is John's profession? फार्मर है वो, तो फार्मिंग है, ऑप्शन बी। नंबर 14, What did the boy want to say to the woman? Something other than thank you ma'am, ऑप्शन डी। Over the countryside, the smoke was rising from myriads of fires, option C. Mild attack of locust की line है। Last portion objective का correct use of verb. You must reap what you sow, option C. She told me that she was happy. That से पहले past tense है, तो that के बाद भी past tense आएगा। I wished I had met the president, option B. A gentleman never abuses his servant, option A. Number 20, he dash hockey since his childhood, तो इसमें आएगा has been playing. Subjective paper में what startling changes had occurred in Harry and his wife, इस question के अलावा बाकी सारे के सारे question exercise में से लिए गए हैं, क्या changes हुई थी उसमें, है कि वो golden eyed हो गए थे, dark colored हो गए थे, खवातीन slim हो गई थी और मर्द जो थे वो जवान हो गए थे। प्ले के क्वेश्चन में फर्स्ट टू क्वेश्चंस के अलावा सारे प्ले की एक्सरसाइजेस के हैं। राइटर ऑफ द प्ले हिट लाइटनिंग, व्हाट हॉरिबल सीन डिड द गर्ल सी व्हेन शी रीच्ड नियर अ कार दैट वाज पुल्ड इन अ लेन, उसने देखा था कि आदमी लड़की की लाश घसीट रहा था। बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से हैं। पोएम्स के क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ, बेसिकली ये टाइम्स पोएम का थीम है, बाकी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं। लेटर है अंकल को थैंक यू बोलना बर्थडे गिफ्ट, थैंक यू अंकल बर्थडे गिफ्ट के लिए। लेटर है जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत नहीं होती यार आजकल, आजकल वो आदमी शरीफ है जिसके फ़ोन को पासवर्ड नहीं लगा हुआ। एनीवेज जी एप्लीकेशन है तो
आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपने स्टोरी याद नहीं की तो। स्टोरी यूनियन स्ट्रेंथ है और लेटर की जगह एप्लीकेशन लिखनी होती है। स्टेंजा है गिविंग द फोर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। फर्स्ट पोएम का पंक्चुएशन है लेसन नंबर 7-4 में से, ये बहुत बार आई है बाबलपुर बोर्ड में, ये लाइनें 5 बार रिपीट हुई हैं कम अज कम। और ट्रांसलेशन है जी स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस लेसन नंबर 4 में से। तो आई होप के आपको